अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं अनकट। नाज़रीन, आज के अनकट का सबसे पहला उन्वान, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद महेंद्र रेड्डी ने पहली मर्तबा भारी पैमाने पर शहर हैदराबाद में सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के रद्दोबदल तबादले किए हैं। ये पहली मर्तबा इतने भारी पैमाने पर किए हैं। 233 एसआईज जो मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन, एसबी, इंटेलिजेंस, सीएसडब्ल्यू में काम करते हैं, उन्हें ट्रांसफर्स करते हुए पोस्टिंग्स दिए गए हैं। ये महेंद्र रेड्डी साहब के कमिश्नर बनने के बाद पहली मर्तबा इतना आला पैमाने पर ये ट्रांसफर्स अमल में आए हैं, 233। आइए एक नजर डालते हैं इस पर। भारी पैमाने पर कमिश्नर ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी ने ट्रांसफर्स अमल में लाए हैं। आई अनकट का दूसरा उन्वान, बोराबंडा का इलाका एसआर नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स कल रात एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है। ताजुब होता है, मैंने भी बहुत ताजुब किया है ये वाकया सुनकर देखकर। 8 साला एक माइनर लड़की का रेप किया गया, 8 साला माइनर लड़की का रेप बोराबंडा के इलाके में एसआर नगर पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में। डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन के घर के करीब ये वाकया हुआ है और अफसोस की बात है, हमने सुना है, हमें जहां तक खबरें मिली है कि मुकामी टीआरएस के लीडर्स अक्यूज्ड को, जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि इसने रेप किया है माइनर लड़की का, उस अक्यूज्ड को मुकामी टीआरएस लीडर्स बचाने की कोशिश कर रहे थे। कितनी अफसोस की बात है। खैर, मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदा कारपोरेटर और साबेखा कारपोरेटर शरीफ एसआर नगर पुलिस स्टेशन पहुंच गए। उसके बाद वहां पर थोड़ी हलचल हुई, माइल्ड टेंशन भी हुआ। पुलिस को आखिरकार केस रजिस्टर करना पड़ा, वरना हमें बताया गया कि पुलिस केस ही रजिस्टर नहीं कर रही थी मुकामी टीआरएस के लीडर्स के दबाव में आकर। जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के नुमाइंदा कारपोरेटर और साबेखा कारपोरेटर कांग्रेस शरीफ वहां पर पहुंचे, थोड़ी सी हलचल हुई, गड़बड़ हुई, लोगों में गुस्सा बरहमी देखी गई, तो पुलिस को मजबूरन केस रजिस्टर करना पड़ा, 8 साला माइनर गर्ल का रेप। कितनी अफसोस की बात है। आइए देखिए।
कितनी अफसोस की न्यूज़ है ये कि एक 8 साल की माइनर लड़की का रेप हुआ। वालदेन मुकामी लोगों के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन गई कंप्लेंट करने, लेकिन पुलिस हमने सुना है मुकामी टीआरएस लीडरों के दबाव में आकर केस ही रजिस्टर नहीं कर रही थी, जिस पर इल्जाम लगाया गया है उसे गिरफ्तार ही नहीं कर रही थी। खैर शुक्र है मुकामी नुमाइंदा कारपोरेटर एमआईएम के वहां पर पहुंच गए, साबिका कारपोरेटर शरीफ पहुंच गए और दबाव डाला पुलिस पर, आखिरकार पुलिस को केस रजिस्टर करना पड़ा। ऐसे भी मामलों में अगर लीडर्स अपनी ईगो में आ गए तो लोगों को कैसा इंसाफ मिलेगा, काफी सोचने का मुकाम है। आइए अब हम बात करेंगे अनकट का तीसरा उन्वान, और उन्वान ये है कि एक वीडियो वायरल चल रहा है कुछ दिनों से, कल से ही एक्चुअली। ये कहाँ का वीडियो है हम इसे दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन जो अच्छी बात होती है हम वो आवाम में नाजरीन में जरूर रखते हैं, इसलिए आपके सामने हम ये वीडियो रख रहे हैं। इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा आपको, हमको, सबको। इस वीडियो में खासियत ये है कि अपने बच्चों के साथ लाड़ करना, प्यार करना हर माँ बाप की आदत होती है, करना भी चाहिए, लेकिन बच्चों के साथ किस तरह रहना चाहिए वो भी सीखना चाहिए। अगर जरी सी भी गलती बाप की हो गई तो बच्चे की जान भी जा सकती है लाड़ प्यार में, वो मैसेज हम आवाम में रखना चाहते हैं इस वीडियो के जरिए। वीडियो आ रहा है, वायरल चल रहा है, एक बार आप ये वीडियो देख लीजिए। ये देख सकते हैं आप, एक शोरूम का विजुअल है, बाप अपने बेटे के साथ किस तरह से लाड़ प्यार से उसे पीछे से ले जा रहा है, उतने में बाप का बैलेंस आउट हुआ, स्लिप हुआ, मासूम लड़के पर गिर गया। और आपको पता है इस लड़के की गर्दन की हड्डी टूट गई। जब दवाखाना ले जाया गया तो दवाखाने में बताया जा रहा है कि वाकई इस मासूम लड़के की मौत हो गई। देखिए आप, माँ बाप अपने औलाद के साथ किस तरह रहना चाहिए, लाड़ प्यार भी करें तो किस तरह करना चाहिए। एक बाप की छोटी सी गलती की वजह से खो दिया अपने खुद के मासूम बेटे को। देखिए लाड़ों से बाप अपने बेटे को खेल खिलाते हुए किस तरह से ले जा रहा है, और थोड़ी दूर जाने के बाद में बाप का पैर स्लिप हुआ, ऐसे ही पीछे लड़के पर बाप गिर गया और सीधा गर्दन टूट गई लड़के की, लाचार हो गया, दवाखाने को लेके गए, लेकिन वहां पर मासूम लड़के की मौत हुई है। ये वीडियो कहाँ का है हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक अच्छी बात है ये वायरल वीडियो चल रहा है, हमें अच्छा दिखा, हमारे नाजरीन में अवेयरनेस के लिए हम ये बताना चाह रहे थे, इसलिए आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरह बाप मजबूर हो गया, रोते हुए बेटा लाचार उठ नहीं रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं देखकर। आखिर क्या हुआ, जब पता चला दवाखाना अस्पताल लेके गए तो बच्चा दौरान ट्रीटमेंट मर चुका। कितना अफसोस का मुकाम है, एक पल में बाप ने अपने मासूम बेटे को खो दिया। खेल कूदते हुए बच्चे को ले जा रहा था बाप, पैर स्लिप हुआ, सीधा बच्चे की गर्दन पर गिरा और गर्दन की हड्डी ही टूट गई। तो इस तरह के हम आपको ये वीडियो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा, और सीखना भी चाहिए क्योंकि एक छोटी सी गलती बाप की, मासूम बच्चे की जान चले गई, जिंदगी भर का माँ बाप को भी अफसोस होगा। इससे सीखने को मिलेगा, हमने इसलिए ये वीडियो जो वायरल चल रहा है आज आवाम की अवेयरनेस के लिए आपके सामने रखा। ये अनकट का आखिरी उन्वान। अब एक नया इशू मरकजी हुकूमत की जानिब से, देख रहे हैं आप वेस्ट बंगाल में फसाद, बिहार में फसाद, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर मुसलमानों में एक नया इशू। अब लेटेस्ट मरकजी वजीर उमा भारती का स्टेटमेंट, अयोध्या की जो डिस्प्यूट लैंड का चल रहा है हिस्सा, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का अदालत में, उमा भारती जी मरकजी वजीर हैं इस वक्त,
ایک ذمہ دار وزیر ہے ان کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ آنا کافی سوسائٹی کے لیے ڈیموکریسی کے لیے ڈینجرس مانا جا سکتا ہے کیا کہا انہوں نے کہ ایودھیا کی ڈسپیوٹیڈ لینڈ رام جنم بھومی تھی ہے اور رہے گی جبکہ یہ عدالت میں چل رہا ہے اس موقع پر مرکزی وزیر اما بھارتی کے زبانی یہ اسٹیٹمنٹ آنا کہاں تک مناسب ہے ایک بار یہ اسٹیٹمنٹ ہم واٹس ایپ انکٹ پروگرام کے ناظرین کو دکھانا چاہتے ہیں دیکھ لیجئے اب مسئلہ ایک بات کا تھا کہ جو جس جگہ پہ ہم آندولنکاری دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ رام جنم بھومی ہے کیا واقعی وہاں رام جنمے تھے تو جو تین ججز کی بینچ تھی وہ دوسرے ڈائنمکس پہ ان میں ڈفرینسز تھے اس پہ نہیں تھے ان تینوں کا کہنا تھا کہ وہ رام للا کی بھومی ہے آپ کو پتا ہوگا اور جو چیلنج ہوا ہے وہ ڈسپیوٹ آف لینڈ چیلنج ہوا ہے وقف بورڈ کا اور رام جنم بھومی نیاس کا وہ جگہ رام للا کی ہے یا نہیں یہ چیلنج نہیں ہوگا اب مسئلہ ایک بات کا تھا کہ جو جس جگہ پہ ہم آندولنکاری دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ رام جنم بھومی ہے کیا واقعی وہاں رام جنمے تھے تو جو تین ججز کی بینچ تھی وہ دوسرے ڈائنمکس پہ ان میں ڈفرینسز تھے اس پہ نہیں تھے ان تینوں کا کہنا تھا کہ وہ رام للا کی بھومی ہے آپ کو پتا ہوگا اور جو چیلنج ہوا ہے وہ ڈسپیوٹ آف لینڈ چیلنج ہوا ہے وقف بورڈ کا اور رام جنم بھومی نیاس کا وہ جگہ رام للا کی ہے یا نہیں یہ چیلنج نہیں ہوگا آج کے موجودہ حالات سبھی جانتے ہیں ملک کے کس طرح سے منصوبہ بندی کے تحت ظلم ڈھایا جا رہا ہے ایک نیا ایشو ڈیلی مسلمانوں کے خلاف لایا جا رہا ہے سبھی جانتے ہیں اب ایک ذمہ دار مرکزی وزیر اما بھارتی کا اس حالات میں یہ اسٹیٹمنٹ آنا کہاں تک مناسب ہے جبکہ یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے خیر صدر مجلس حیدرآباد ایم پی جناب اسد الدین اویسی نے اما بھارتی کے اسٹیٹمنٹ کو کرارا جواب دیا ہے اسٹیٹمنٹ پر اور وہ جواب ایک سمپل ٹویٹر پہ دیا گیا ہے اما بھارتی کو سمپل جواب دیا ہے اسد الدین اویسی نے کرارا جواب دیا ہے میڈم ٹائٹل سوٹ تھا اس کو پیٹیشن سوٹ کا فیصلہ دیا گیا اونلی سپریم کورٹ ول ڈیسائڈ واٹ وڈ ہیو بین ججمنٹ اف ڈیمولیشن واز ناٹ ڈن دیکھیے آپ یہ ٹویٹر کا پوسٹ ہے اسد الدین اویسی ممبر آف پارلیمنٹ پریزیڈنٹ اے آئی ایم آئی ایم نے اما بھارتی کے جو اسٹیٹمنٹ پر ریپلائی دیا ہے میڈم ٹائٹل سوٹ تھا اس کو پارٹیشن سوٹ کا فیصلہ دیا گیا اونلی سپریم کورٹ ول ڈیسائڈ واٹ وڈ ہیو بین ججمنٹ اف ڈیمولیشن واز ناٹ ڈن یہ بالکل سمپل چھوٹے سے الفاظ میں اسد الدین اویسی نے اما بھارتی کے تمام اسٹیٹمنٹ کے تمام سوالات کے جوابات دے دیے خیر بہرحال ملک کے حالات ایک منصوبہ بندی کے تحت اچھے دن لانے کے بجائے برے دن لانے کا ارادہ پرائم منسٹر نریندر مودی کا یہ منصوبہ بند دکھ رہا ہے ارادہ کیونکہ اچھے دن آئیں گے ہر ایک انڈین کو 15 لاکھ ملیں گے اب یو پی کا الیکشن آ رہا ہے خیر بہرحال اٹینشن ڈائیورشن گینگ ایک نام دے دیا گیا تھا مجلس بچاؤ تحریک کے صدر امجد مجید اللہ خان فرد کی جانب سے آئیے یہ تھے ہمارے آج کے انکٹ کے عنوانات اب ہم عوام سے بات کرتے ہیں ہلو وعلیکم السلام بھائی اب آپ لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں میں اپنے منہ سے کچھ نہیں بولوں گا جی 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 اب یہ معلوم نہیں ہو رہا ہے پبلک کا ہم کیا کر رہے ہیں پبلک میں اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں یہ عوام جانتی ہے میں کچھ بولوں گا تو نہیں اب بولوں گا تو پھر ایک نیا برپا پھر چینل بند ہو جائے گا بھائی میرا منہ مت کھلوائیے شاید چھوٹی ریکویسٹ جی پہلے بیچ میں تھنڈر ہوا تھا جی سات دنوں کی روپئے جی جی ہمارے والی صاحب تو
बोलता झूठी फिर झूठी, तो पप्पा बोला हम लोग लेट निकल के अंदर रहते बोलते नहीं नहीं क्या बोले अपने साथ नहीं नहीं पूरन के साथ रूई रू पूरन के संगत है ना पूरन के संगत जाना जी। यहाँ पर ये जैसा ये भुकरजा पल रही है वो भुकरजा पले जी हाँ जी जी वहाँ पर जो है डिप्टी सीएम के पुत्र है कटे जरा छोट जरा शिशुरा पौधा कॉलेज में वो छोट जरा गाड़ी वर्ल्ड पूजा निकल आ रहे कटे जैसा अपने हीन है विलोक की जो है पकड़ी उनको निकाल दिया कटे इस तरह में वो कॉलेज से उनकी कॉलेज की गई या पुणे की स्पैरी है जी जी उनकी मालूम हुआ तो इसलिए आपकी जरा दर्शक जरा मेहरबानी हुआ की जरा जरूर इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह आपने अभी इत्तला दी है। लेकिन एक बात है सर क्या बोले पंजाब रोज रोज बोले बच्चे जी 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 इंशाल्लाह मैं जरूर आपने अभी इत्तला दी है मैम इस पर जरूर गौर करेंगे भाई बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू जरूर भाई जरूर हम इस पर नजर डालेंगे भाई जरूर डालेंगे थैंक यू। आप शुद्ध में ऐसा बोल के असर सकू जी लेकिन शुद्ध बात है सही है या महाराष्ट्र जाए या कर्नाटक जाए या किधर भी जाए यूपी जाए फुटबॉल के मम्मी है फुटबॉल के अम्मा है फुटबॉल के हकीक है लेकिन बात है चलिए बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल सही है शान है अपनी गुरु जी बिल्कुल बिल्कुल हैदराबाद की नाक है हैदराबाद के मुसलमानों की शान है हैदराबाद के मुसलमानों की नाक है जो चाहे खिताब दे दीजिए सूट हो जाएगा उनकी पर्सनैलिटी को बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया है आपने जो इश्यू बताया है जरूर हम उस पर गौर करेंगे और कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप अनकट प्रोग्राम की जानिब से इस इशू को आवाम में हम अवेयरनेस लाने के लिए बता दें। हेलो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं इकबाल अली खान साहब बाबा नगर? अच्छे हैं साहब अल्लाह का करम है। रात में का न्यूज आपका देखी 10 बजे का? रात में नहीं देख सके न्यूज 10 बजे से शायद बंद हो गया गालिबन समझे तो मैं ये समझ में आपके ऑफिस के अंदर ही कोई ऐसा है जी तो आपके पास कुछ ना कोई ऐसा हरकत आकर चैनल बंद हो रहा हूँ हो सकता है हो सकता है हो सकता है बिल्कुल आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ क्योंकि घर को अंदर लगती घर के खिलाफ से बिल्कुल सही कहा आपने नहीं आजकल घर के दुश्मन ही बोलोगे बस अब घर के दुश्मनों को ही सुधारना पड़ेगा इंशाल्लाह। अब जो बोराबंडे का जो केस है साहब जी जी पुलिस वालों का काम है वो टीआरएस के लोग जो बचाना चाह रहे थे कि उसको उनके खिलाफ भी केस बुक करना जी हाँ उनके खिलाफ पेरेंट्स कंप्लेंट करना एक्चुअली मुल्जिम को पना देना मुल्जिम को छुपाना भी जो है क्रिमिनल ऑफेंस है बिल्कुल सही। अब रही बात जो है हमारे शेर तक्कर जो जवाब दिए है जी वो हिंदुस्तान के अंदर जो गिरोह को जवाब दे सकता हाँ इसका रिजल्ट बहुत जल्दी 2017 में मिलेगा बिल्कुल यूपी के इलेक्शन में सेमीफाइनल अच्छा 2019 के अंदर जो है टोटल जो है विक्ट्री हो जाएगी हमारी शेर की फाइनल मैच हो जाएगा फाइनल मैच हो जाएगा हिंदुस्तान में एक ही है जी जी बंदा जी बिना खौफ जी निकल जाता बाहर बिल्कुल सही क्योंकि ये जो है इनको एक होना है ऐसा एक खतरा बिल्कुल एक आदमी जब से भारी है हमारे पास जी हाँ बिल्कुल सही बहुत 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 शुक्रिया इकबाल अली खान साहब। एक शेर चाहिए हिंदुस्तान में और वो शेर असदुद्दीन अवैसी इकबाल अली खान साहब के बखौल। खैर ये तो वक्त ही बताएगा 2017-19। हेलो कॉल्स शायद डिस्टर्ब हो रहे हैं एक लास्ट कॉल लेते हैं फिर हम ब्रेक में जाते हैं ब्रेक के बाद हाजिर होंगे फिर हमारे आवाम से कॉल्स कंटिन्यू करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कैसे आवामी आदमी
इमरान साहब रियासत नगर जी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी जी। वो आप वीडियो बताए बच्चे का, वो मैं जहाँ तक देखा वो वीडियो सुना है चाइना का है बोल के। नहीं कहीं का भी रहो, एक सीखने की तो बात है, सीखने की बात थी। बचपन में हम रेलगाड़ी बना के करते थे ऐसा जी। हाँ जी हाँ जी, वैसी हो गया चल गया सिर्फ। और एक ओ टीवी है ना आपका, आपके ग्रुप का है आपकी टीवी ओ टीवी? जी जी ओ टीवी जो है हमारे एक दोस्त का है। हाँ मुबारक बोलो उनको, हार्डवेयर में आ गया है वो। अच्छा नहीं मालूम मुझे, जरूर बोलता हूँ। अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आवामी आदमी साहब, हमारे लिए भी दुआ करिए, हमारा चैनल भी तरक्की करे। खैर चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगे और हमारा डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे आज के सब्जेक्ट पर। देखते रहिए व्हाट्सएप अनकट।